सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेस कोई टॉपिक भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज एक और रैंडम सी वीडियो सोचा है। अपने टैंक का वाटर चेंज कर रहे थे हम अभी ज़रा क्लास से आए थे और हेलमेट लगाए, थोड़ा मेरे हेयर्स को इग्नोर करिएगा और मेरे लुक को भी। तो अभी जैसे मेरे टैंक का वाटर चेंज हो रहा था, तो टैंक का वाटर चेंज हो रहा था और कुछ मेरा कोरियर भी आ गया था, तो सोचा कि हमने चलो छोटी सी एक रैंडम सी अपडेट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें बायोलॉजिकल मीडिया है 20 kg बायोलॉजिकल मीडिया, सिरेमिक रिंग 20 kg। अभी हमने ओपन नहीं करा, अभी भी कुरियर आया था तो अभी इसको ओपन करेंगे। और जैसा कि इतना बायोलॉजिकल मीडिया क्यों मंगाया है हमने, तो पहला आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हमने एक बंजर रेड एरवाना ऐड करी हुई है। अब हम कुछ और फिश ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो उसके लिए सोचा कि वो थोड़ी सी डेलिकेट मॉन्स्टर फिश है, मतलब उसका थोड़ा ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है वाटर पैरामीटर्स वगैरह का। स्कैबी को आप लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि जो, चलिए अपना बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करते हैं। और जो दूसरी जो मेरी फ़िश होने वाली है ना, स्कैबी हाय बोलो, हाय। तो दूसरी जो मेरी फ़िश होने वाली है वो भी एक्सपेंसिव है ना, समझ रहे हो स्कैबी, क्या समझे, वो फिश महंगी है। प्लांटेड टैंक में एक मेरी किडनी चली गई है ना, और दूसरी किडनी मेरी एरवाना में चली गई, मेरे पास नहीं बची हैं, तो समझ रहे हो। अब तुम्हारी किडनी का नंबर है, भागो नहीं बताओ, ठीक है, वो अपनी किडनी डोनेट करोगे एक्वेरियम हॉबी के नाम पे? कुछ नहीं बोलोगे, नहीं करोगे, कर दो यार, नहीं तुमको खाने को नहीं मिलेगी वो, बट तुम्हें देखने को मिलेगी इस टैंक के अंदर, जैसे कि है एरवाना तैर रही है, तुम्हें देखने को मिलेगी, बोलो। चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, और तो चलिए अपना बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये पैनल हटा लेते हैं हम लोग अपने संप का, और स्कैबी हाँ, तो चलिए अपना बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करना शुरू करते हैं। अरे एक मिनट रुकिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अपना बायोलॉजिकल मीडिया जो इसको ऐड करते हैं। 20 kg पूरा अपना खर्च नहीं होगा, कम खर्च होगा, देखते हैं कितना खर्च होगा, है ना। तो चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं ओपन, और जितना भी बचेगा, एक हमने और अपने लोकल हॉबीज से बात करके रखी थी यहीं पर अपने घर के पास में ही, उसको भी 5 kg चाहिए ना। तो देखते हैं, अगर मेरा 15 kg खर्च होता है तो उसको 5 kg दे देंगे, वरना 20 खर्च हो गया तो पूरा हम ही यूज़ कर लेंगे एक्चुअली, क्योंकि हमको चीज़ें थोड़ा कम रेट पे मिल जाती हैं डायरेक्ट होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, हमको चीज़ें मिल जाती हैं, तो जितनी मेरी हेल्प हो सकती है हम लोगों की कर देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि अमेज़न वगैरह पे तो चीज़ें कॉस्टली मिलती हैं, उससे डिस्काउंट ही मिल जाता है जिसको भी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये देख सकते हैं सिरेमिक मीडिया, इतना सारा, ये देख सकते हैं पूरा इसके अंदर भरा हुआ है। तो अपना ऐड करना शुरू करते हैं, है ना। उससे पहले एक बार इसको वॉश कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको एक बकेट के अंदर निकाल लेते हैं पूरा और वॉश कर लेते हैं एक बार। तो अब इसके अंदर बायोलॉजिकल मीडिया डाल लेते हैं अपनी बकेट के अंदर, तो अपनी आधी बाल्टी भर चुकी है इससे, इसको वॉश कर लेते हैं हम चल के।
तो चलिए अपना बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करना शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं इसके अंदर हमारे वो हैं जाली, इसको हमने बताया था नाली पे जो जाली रखते हैं ड्रेनेज के ऊपर, टेरेस पे या फिर किचन वगैरह में जाली होती है ना नेट, वही है ये। तो इसको कर लेते हैं ज़रा साइड में और ये वाला बायोलॉजिकल मीडिया निकाल के रख देते हैं बगल वाले सेक्शन में। और ये जो बायोलॉजिकल मीडिया है इसको अपने हम थर्ड सेक्शन में रखेंगे, यहाँ वाले इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में जो रहेगा ना मेरा, तो पानी देखिए इधर से ऊपर से नीचे जाता है, फिर नीचे से ऊपर आता है। इसमें हम कुछ लाइट बायोलॉजिकल मीडिया रखेंगे, जैसे कि बायो बॉल्स वगैरह, जो प्लास्टिक का बायोलॉजिकल मीडिया रहता है ना, थोड़ा फ्लोट भी करता है, वो रखेंगे। या फिर इसके अंदर हम K1 या फिर K3 मीडिया भी रख सकते हैं, तो इसमें वैसा कुछ रखेंगे लाइट मीडिया इस वाले सेक्शन के अंदर। तो मेरा ये सिरेमिक रिंग ही आएगा, और जो अपने ये स्क्रबर थे झावा जिसको कहते हैं, इसको अपने से लास्ट सेक्शन में रख लेंगे हम लोग। और ये जो अपनी हमने एक ट्रे जैसी बनाई थी, इसको रखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग को बायोलॉजिकल मीडिया रखना है सिरेमिक रिंग, क्योंकि अभी मेरे पास एक और ट्रे नहीं है, तो इसलिए इसी वाली ट्रे को यूज़ करेंगे, वरना इसको ना निकालते एक और ट्रे बना के रखते हैं। क्योंकि एक और ट्रे रखना तो उसमें भी होगी हमें, जो वो वाला सेक्शन है उसमें भी एक और ट्रे तो रखना ही होगी हमें, बट अभी नहीं है, तो जो है तो उसी से काम चलाया जाएगा। और अब हम लोग अपनी नेट रख लेंगे इसके ऊपर। अपनी 2 फुट के एरिए में 6 लगी हैं ये 3 इंची वाली जाली, इसको 3 इंची कहते हैं बट ये होती 4 इंच की है। अब इसके अंदर अपना मीडिया डालना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना जो ये जो हम लोगों ने जालियाँ रखी हैं ना ये पलट जाएंगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली अपना ऑलमोस्ट 10-11 के जी बायोलॉजिकल मीडिया ऐड हो चुका है। देख सकते हैं जो मेरा पैकेट था उसमें 50% से ज़्यादा हमने ऐड कर दिया है ना, 50% होगा अप्रॉक्स, है ना, 50% थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, 1-2 किलो ज़्यादा होगा, मे बी 9 किलो अभी भी बचा है मेरे पास, थोड़ा तो मेरे इसके कैंसर फिल्टर में जाएगा और बाकी देखते हैं इसमें कहीं और भी एडजस्ट करेंगे, और कुछ तो अपने लोकल हॉबिस्ट को भी देना है ना। और कोई अपडेट चला को मरीन टैंक थोड़ा सा दिखा देते हैं अपने एनिमोन के क्या हालचाल हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं जो मेरा एनिमोन है वो इस साइड आके चिपक चुका है, आप लोग देख सकते हैं, तभी इधर ग्लास वगैरह पे घूमता रहता है ये, अब इसको कंट्रोल करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल चीज़ को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। अभी तो वेव मेकर काफ़ी ज़्यादा पास में, तो उनको डर लग रहा है कहीं ये वेव मेकर में चॉप वगैरह ना हो जाए, या अब क्या कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ को रोक तो सकते नहीं है, मूव कर रहा है तो कर रहा है, कभी इधर आ जाता है, कभी उस रॉक पर चला जाता है, कभी रॉक पर, कभी ग्लास पैनल पर, ऐसे ही घूमता रहता है। और एक तो मेरी डैमसल भी पकड़ के खा चुका है 1-2 ये, बट अब खा रहा है तो खा रहा है, क्या कर सकते हैं, अब इसमें इसको फीडिंग दे सकते हैं टाइम, इसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ये थोड़ा मैसअप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये ज़रा 2 फिल्टर रखे हुए हैं जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये फ़िल्टर एक्चुअली इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि एक तो लोकल हॉबिस्ट को देना है हमें यहीं पर ही देना है, और एक जो है इंस्टाग्राम पे वो उन्होंने थोड़ी गाइडेंस उनसे मांगी थी कि टैंक वगैरह कैसे सेटअप करें क्या करें, तो फ़िल्टर उन्होंने बाय करने वाले थे, तो यही वाला फ़िल्टर जो हमने अपने टैंक में यूज़ करा वही हमने भी सजेस्ट करा कि आप भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, और आप भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कि हम जैसे दिला देते हैं तो जो अमेज़ॉन वाला, जैसे कि जो होलसेलर्स वगैरह अमेज़ॉन पर सेल कर रहे होते हैं ना, तो अमेज़ॉन से हटके पर्सनली उनसे शिप करवा देते हैं, तो 10-15% 20% डिस्काउंट हो जाता है, डिपेंड करता है कौन सी चीज़ है, तो जैसे कि 5-6 हज़ार रुपये की चीज़ पे 1,000 रुपये बच जाते हैं किसी इंसान के, तो काफ़ी अच्छा रहता है, उस रुपए में इंसान कोई और चीज़ ले सकता है, या फिर अगर इंसान छोटा मॉडल लेने के बारे में सोच रहा हो अंडर साइज, तो उसी रुपए में अगर उसको एक सही साइज़ की चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ काफ़ी सही रहती है। एक छोटा सा कदम लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर आप लोग और किसी को भी चाहिए होगा तो बताइएगा, तो अगर हमसे हो पाएगा तो हम आपके वहाँ भी शिप करवा देंगे, डिस्काउंट आप लोग को भी मिल जाएगा। चलिए सब छोड़ते हैं और उधर बात कर लेते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पहले अपडेट के लिए अगर हम दूसरी फिश ले आते हैं तो पहले अपडेट का इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हम इस फिश की भी अपडेट वहाँ देते रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें जैसे हम अपडेट देते रहते हैं, अपडेट देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।